जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। डीवी भारती समाचार चैनल पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। क्या कहते हैं आपके भाग्य के सितारे, क्या बदल सकती है आपकी तकदीर? तो आइए जानते हैं 12 राशियों का। सबसे पहले राशि मेष। आज मेष राशि वाले आपको 31/12/2023 अंग्रेजी वर्ष 2023 का लास्ट दिन है। इसके बाद आप नया वर्ष अंग्रेजी नया वर्ष में प्रारंभ करेंगे। आज के दिन आपके लिए कोई मांगलिक शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है अथवा विवाह इत्यादि जैसे दायित्व को आप निभा सकते हो। दूसरी राशि है वृक्ष। वृक्ष राशि वाले व्यक्ति, आपको आज के दिन किसी बात को लेकर के मानसिक तनाव, बेचैनी या घबराहट हो सकती है, इसलिए सचेत और सतर्क रहें स्वास्थ्य को लेकर के। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को आप आज को मांगलिक शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वाले व्यक्ति, विद्या अध्ययन सरकारी जैसे क्षेत्रों से सफलताएं आपको हाथ लगेंगी, स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। पांचवी राशि सिंह। सिंह राशि वाले व्यक्ति, भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति एवं स्थानांतरण जैसे योग आपको आज के दिन बन रहे हैं। छठवीं राशि है कन्या। कन्या राशि वाले व्यक्ति, व्यापार सम रहेगा, स्वास्थ्य आपका मध्यम रहेगा एवं कहीं आप घूमने या भ्रमण की स्थिति आपके मन में आ सकती है या अन्यत्र भी जा सकते हो। सातवीं राशि है तुला। तुला राशि वाले व्यक्ति, आपको भूमिगत द्रव्य यानी कि भूमि से संबंधित आपको धन की प्राप्ति के योग संकेत बन रहे हैं एवं आपको आज धर्म के प्रति भी रुझान होगा, कहीं से आपको सफलताएं भी प्राप्त हो सकती हैं। आठवीं राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति, आपको चाहिए श्री हनुमान जी की आराधना करें और आपके लिए श्रेष्ठतम और उत्तम दिन रहेगा। नवम राशि धनु। धनु राशि वाले व्यक्ति, आज आप कृषि इत्यादि जैसे क्षेत्रों से सफलताएं हाथ लग सकती हैं। यदि आप व्यापारी हैं, दुकान इत्यादि कुछ भी करते हैं तो आपका दिन शुभ मंगलमय व्यतीत होगा। दसम राशि मकर। मकर राशि वाले व्यक्ति, आप उद्योग धंधा, फैक्ट्री, बिजनेस इत्यादि या कोई सरकारी या राजनीतिक क्षेत्र में पैर रखते हैं तो आप आज किसी उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। ग्यारहवीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को राजनीतिक एवं सरकारी क्षेत्रों से सफलताएं हाथ लगेंगी, स्वास्थ्य आपका उत्तम रहने वाला है। आज आप कोई वाहन खरीदना या बेचना चाहते हो तो आपके लिए श्रेष्ठ उत्तम रहेगा। बारहवीं राशि मीन। मीन राशि वाले व्यक्ति, आपको आज के दिन स्त्री पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा, घर में माता पिता से सहयोग एवं शत्रु आपके परास्त होंगे, मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा, आप कोई नया या कोई बड़े दायित्व को भी निभा सकते हैं और आप भगवान श्री नारायण का दर्शन करें और पुखराज नामक रत्न धारण करें तो आपके लिए और श्रेष्ठ उत्तम रहने वाला है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीतांबरा, जय माँ विंध्यवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।